Hi class, my name is Mahima Napala and today I am going to discuss a very important doubt जो शायद आप सभी के मन में आ रहा होगा कि how to study without your basic study material or your NCERTs. अब देखो, जैसे हम सब बच्चे अब basically ये जो video है वो mostly 9th and 10th के students के लिए oriented है, तो I'm expecting कि या तो आप लोगों ने just अभी 8th के exams में appear किया होगा, आप अपने results का wait कर रहे होंगे, या फिर आप अभी 9th class just उसके exams देकर आए हैं और आप अभी अपने result का तभी भी wait कर रहे हैं. तो अब जब आप लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे तो हमें तो पता नहीं था कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि लॉकडाउन हो जाएगा और हमारे पास बुक्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगी. तो ऐसी सिचुएशन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वी डोंट नो कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है लॉकडाउन की वो कब तक चलेगी. तो अब इसका मतलब ये है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सभी की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं. तो जैसे ही हम सबकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपना पर्सनल लेवल पे भी सिलेबस को साथ के साथ ख़त्म करते जाएं. अब हमारे पास डाउट सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास जब बुक्स ही नहीं है तो हाउ कैन वी स्टार्ट स्टडी. तो अब इसका सोल्यूशन जो है वो दो तीन तरह के इसके सोल्यूशन हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है वो ये है कि या तो आप लोग चैप्टर वाइज जो है ऑनलाइन सभी जो आपकी बुक्स हैं उसके जो चैप्टर्स हैं आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको ऑनलाइन ही पढ़िए. या दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप जो है एक पर्टिकुलर प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. मैं पर्सनली ये जो है क्लास 9th ऑल एनसीईआरटी बुक्स का ऐप डाउनलोड करती हूँ अपने पर्सनल रेफरेंसेस के लिए, ताकि मैं उससे नोट्स प्रिपेयर कर सकूँ. और उसका लिंक यहाँ पर कहीं दिया होगा, या फिर बेसिक जो उसका जिस तरीके से वो दिखता है उस तरीके से वो ऐप का हैंडल दिया हुआ होगा. आप चाहो तो आप कोई और भी ऐप यूज़ कर सकते हो अपनी पर्सनल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली. बट यहाँ पर सबसे हमारा जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि हमारा सिलेबस इतना पीछे ना छूट जाए कि उसको वापस कवर अप करना मुश्किल हो जाए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप क्लासेस ऑनलाइन स्कूल से ले रहे हो, दे आर इम्पॉर्टेंट, नो डाउट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसी के साथ साथ एनसीईआरटीज को, एक्स्ट्रा बुक्स को, लखमीर को, एग्जाम्पलर्स को, इन सबको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब जो लोग या जो बच्चे क्लास 9th में अब आए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे आर लैकिंग राइट नाउ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन. अब जो बच्चे 8th से 9th में आए हैं वो जानते हैं कि 9th क्लास जो है वो एक कम्प्लीटली न्यू क्लास है. इसके अंदर हमारे स्टडी पैटर्न्स, हमारा जो पेपर लिखने का तरीका है, आंसर्स की लेंथ है, और जो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटर्जी है वो यहाँ पर इस क्लास में आकर थोड़ी सी बदल जानी चाहिए. मोस्टली इससे पहले बच्चे या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या होम ट्यूशन्स ले रहे होते हैं, लेकिन 9th पे आते आते वो एक पर्टिकुलर कोचिंग एनवायरनमेंट की तरफ भी जाते हैं. तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि कोचिंग के सिलेबस से या स्कूल के सिलेबस से हम कैचअप नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे सिचुएशंस को हमको कैसे डील करना है, क्लास 9th या क्लास 10th इन जनरल हमसे क्या चीज़ें डिमांड करती है, वो भी हम इस वीडियो में साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि अब आप अपना टाइम टेबल बनाओ, 8 आवर्स ये लिखो, 4 आवर्स वो लिखो, या फिर ऐसा कुछ. ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिकली, इवन दो दे आर इम्पॉर्टेंट, इवन दो दे कैन बी इम्प्लाइड एंड फॉलोड बाई ऑल ऑफ आस, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटर्जी कि हमको पढ़ना कैसे है और पढ़ना कहाँ से है. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स ओवर हियर इज़ योर बेसिक NCERT. अब जो बहुत सारे बच्चे 8th से 9th में आए हैं, तो ऐसे कई स्कूल्स के बच्चे थे जिनकी बुक्स कम्प्लीटली NCERT से अलग भी रही होंगी टिल 8th स्टैंडर्ड. बट नाउ एज यू कम टू द 9th स्टैंडर्ड, तो मोस्टली हर एक बच्चे की बुक जो होती है ऑल ओवर इंडिया वो NCERT पैटर्न को फॉलो करती है. अब जो NCERT बुक्स हैं उसके अलावा जो हमारा CBSE है वो कुछ एग्जाम्पलर बुक्स भी निकालता है. वो एग्जाम्पलर बुक्स जो होती हैं उसके अंदर हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्कर्स होते हैं, 3 मार्कर्स होते हैं, एंड बेसिकली उसमें एक चैप्टर का हल्का सा एडवांस वर्जन होता है. उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप रेफर करके अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो.
और क्योंकि वो बुक सीबीएसई की ही एक बुक है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड बुक्स. नाउ कमिंग अप टू द सब्जेक्ट साइंस इन जनरल, जो साइंस में हमारा कंटेंट है, नाइन्थ क्लास से ऑल ऑफ अस सजेस्ट कि आप अपनी एनसीईआरटी के अलावा अगर एग्जाम्पलर कर ली, एनसीईआरटी कर ली एंड स्टिल अगर आपको मन है कि आप उसको गो थ्रू करने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर योर नॉलेज, तो आप लखमीर सिंह को भी रेफर कर सकते हैं. अब डाउट ये आता है कि अब तो लॉकडाउन की सिचुएशन है तो एनसीईआरटी जो है उसका सोल्यूशन तो हमको मिल गया कि हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने का सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो पर्सनल स्टोरीज है वो बहुत ज़्यादा बच जाती है. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप वन बाय वन मैथ, साइंस, आपके एसएससी की, इंग्लिश की, हर एक सब्जेक्ट की एक पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद को भी याद नहीं रहता कि कौन सी पीडीएफ का क्या नाम है, वो कहाँ पर है. आलस आ जाता है कि नहीं आज नहीं कल पढ़ लेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में वन ऑफ द एप्स विच आई पर्सनली यूज, विच इज़ द क्लास नाइन ऑल एनसीईआरटी बुक्स का ऐप, मैं उस ऐप को यूज़ करती हूँ और उसमें हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट वाइज, हर चैप्टर वाइज उन सब की पीडीएफ बनी हुई है, विच इज द एग्जैक्ट एनसीईआरटी जो आपने बाद में पढ़नी है. जब आप बुक्स लॉकडाउन के बाद जो बुक्स खरीदेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम बुक्स की वहाँ पर पीडीएफ बनी हुई है. उसके अलावा उसी सेम ऐप में आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी एड ऑन हो चुके हैं, तो आप चाहो तो आप वो वाला भी कर सकते हो डाउनलोड. अदरवाइज जो ये ऐप है ये मेरा खुद का ऐप नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली ऑप्शनल ऐप. या तो आप चाहो तो आप वन बाय वन गूगल से चैप्टर्स को डाउनलोड कर सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड इज दैट यू नीड टू स्टडी इवन इफ देर इज अ लॉकडाउन. एंड आई नो इट कैन बी अ लिटिल बिट मोर हार्ड, आपको और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी ज़्यादा डालनी पड़ेगी और आपको हो सकता है कि आपको कुछ डाउट्स हों, आपको वो डाउट्स थोड़ा टाइम तक सेव करने पड़ेंगे. बट इफ यू आर इन द स्ट्रगल, रिमेंबर एवरी वन इज. तो अगर आप इस सिचुएशन में गिव अप कर दोगे तो ऐसे आप अपने आप को ही बहुत सारे मंथ्स के लिए पीछे कर दोगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई जस्ट होप कि आप लोग जो है अपनी स्टडीज के साथ हाथों हाथ कूप अप करते जाएंगे और जो भी आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं या जो वीडियोस मैं भी फर्दर अपलोड करूंगी आप लोगों की हेल्प के लिए, आप उसको रेगुलरली और बहुत ही अच्छे से यूज़ करोगे, उसको यूटिलाइज करोगे, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और अपने आप को सिलेबस के साथ कूप अप कर लोगे. थैंक यू सो मच.